सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं सीटेट कहते हैं। सीटेट ने कहीं ना कहीं ये बात पूरी की। उसका रीजन क्या है कि सीटेट ने अभी 3 दिन पहले नोटिफिकेशन रिलीज किया सीटेट दिसंबर 2024 का, और विद इन अ 3 डेज आप ये कह सकते हैं कि सीटेट ने दोबारा से पब्लिक नोटिस रिलीज किया और अपडेट किया कि एग्जाम की जो टाइम है जो December 1st को एग्जाम होना था उसको चेंज कर दिया। सिर्फ इतना सही चेंज अभी आया है, तो आप देख सकते हैं आज 20 सितंबर और पब्लिक नोटिस एक आया है सीटेट की वेबसाइट पे जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन जो सीटेट हर बार देता है वो भी अपडेट किया। बट अपडेट में कोई भी ऐसा मेजर चेंज नहीं है सिर्फ डेट के अलावा। तो अगर हम पब्लिक नोटिस देखते हैं तो आप पब्लिक नोटिस देख सकते हैं कि आपको पब्लिक नोटिस में क्लियरली मेंशन किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे या फिर आप सीटेट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि जो आपकी डेट है ये 20वां संस्करण है एज इट इज रहेगा। हमने जो डेट दी थी वो आपको 1 दिसंबर की दी थी। पूरे देश में 136 शहरों में निर्धारित किया गया है अब जो कि आपका प्रशासनिक कारणों से सीटेट परीक्षा 15 दिसंबर 2024 मतलब रविवार का जो दिन है उसको आयोजित करने का निर्णय लिया है। यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा 14 दिसंबर 2024 को भी आयोजित की जा सकती है। अब पॉइंट आता है कि इसमें 2 डेट दी है, एक तो है 15 दिसंबर ठीक है 2024, और साथ ही साथ दूसरी जो डेट दी है वो है दिन शनिवार, यह है आपकी 14 दिसंबर ठीक है। 2 डेट दी है, मेन जो डेट रहेगी वो रहेगी 15 दिसंबर जो कि संडे का दिन है। लेकिन अगर कुछ शहरों में कि इम्पैक्ट किस किस को रहने वाला है, तो मेजरली इम्पैक्ट वही है कि अगर कुछ शहर हैं जो कि बड़े हैं वहां पे रजिस्ट्रेशन ज्यादा होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो एज अ सेंटर ज्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया, तो ऐसे केस में सेंटर निर्धारित करना और उसको जो एक रेशो कह सकते हैं मेंटेन करना कि उतनी व्यवस्था बनाना और इतने रजिस्ट्रेशन लेना या फिर सेंटर अलॉट करना अगर पॉसिबल होता है तो सभी 15 दिसंबर में ही क्या होगा एग्जाम कराया जाएगा। लेकिन अगर किसी रीजन से किसी सेंटर या किसी शहर में मतलब मेनली सेंटर्स की जो संख्या है वो कम रह जाती है रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो ऐसे केस में दूसरी डेट भी दी गई है जो कि है आपकी 14 दिसंबर। तो ऐसे केस में कुछ शहरों में जहां पे रजिस्ट्रेशन ज्यादा होगा ऐसे केसेस में यहाँ पे एक आप कह सकते हैं एक डिफरेंट सेट ठीक है एक प्रॉपरली अलग एग्जाम होगा जो कि 14 दिसंबर को होगा ऐसे सेंटर्स पे जहां पे रजिस्ट्रेशन ज्यादा होने वाला है, और मेन एग्जाम जो रहेगा वो रहेगा 15 दिसंबर। तो जिनका भी एग्जाम 14th को पड़ेगा उनको 15th नहीं देना, ये भी कोई डाउट ना ले कि ये 14 और 15 का क्या रहने वाला है। जिन सेंटर्स पे ज्यादा मतलब जिन सिटीज में ज्यादा रहेगा रजिस्ट्रेशन ऐसे केस में क्या रहेगा उनको किया जा सकता है 14th को शिफ्ट, और बाकी नॉर्मल अगर आप बात करें तो ऐसे केस में 15th का ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जिन सिटीज में ज्यादा रजिस्ट्रेशन रहे वहां पे 14 और 15 दोनों को एग्जाम कराया जाए। तो आप ऐसे केसेस में आप कोशिश करिएगा कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करिए, ताकि स्टार्टिंग में अगर सपोज आपका कोई भी एक बड़ा सिटी है, मान के चलिए कि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली के किसी एक रीजन में हैं, तो अभी के लिए मैं दिल्ली को ही काउंट करता हूँ कि आप दिल्ली में हैं और उसके ईस्ट वेस्ट किसी भी जोन से हैं, मान के चलिए वहां पे आपकी जो कैपेसिटी है वो 1000 की है सिर्फ एज अ एग्जाम्पल, लेकिन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 2000 या फिर 1000 से ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा 15 दिसंबर और 14 जो दिसंबर रहेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि 1000 यहां पे कैंडिडेट होंगे एग्जाम देने के लिए और 1000 इसमें। तो ऐसे केस में जिनका रजिस्ट्रेशन पहले होगा उनकी उम्मीद भी ये रहेगी कि उनका एग्जाम संडे में शिफ्ट रहेगा, अदरवाइज मैक्सिमम जैसे कि बताया कि जिन सेंटर्स में नॉर्मल एग्जाम होने वाला है उसमें तो 15th में रहना ही है, बट अगर जो भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट होंगे उनका शिफ्ट हो सकता है 14th को। तो कुछ लोग वर्किंग हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका अकेडमिक है एग्जाम है या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपना कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में उनको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे केस में आप क्या कोशिश करिएगा कि जो रजिस्ट्रेशन है प्लस कंप्लीट फॉर्म आप कह सकते हैं वो आप अपना जितना जल्दी होगा उतना बेटर, क्योंकि पहले जो होगा रजिस्ट्रेशन से ही ये चीजें काउंट की जाती है कि आप कहां पर पढ़ने वाले हैं 15th में या 14th में। बाकी एग्जाम जब 2 डेट पे होने वाला है तो मल्टीपल सेट्स रहेंगे 14th का अलग 15th का अलग, तो ये क्लियर रहेगा कि आपके दोनों सेट्स अलग रहने वाले हैं। बाकी इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है,
बिकॉज सिलेबस से किसी पैटर्न में कोई ऐसा चेंज नहीं आया, सिर्फ डेट जो है आपकी वो रिवाइज की गई है। तो आप डेट देख सकते हैं 15 तारीख ही मेन है, तो 15 तारीख के अकॉर्डिंग ही इसको दिखाया गया। पेपर वन एज इट इज मॉर्निंग, पेपर टू इवनिंग, और जो आपकी मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट की टाइमिंग है वो भी मेंशन है। ठीक है, तो आज की अपडेट में यही है कि सीटेट की जो डेट है वो रिवाइज की गई है, रिजल्ट डेट बाकी सॉरी एग्जाम का जो आपका एग्जाम डेट है वो रिवाइज की गई है, बाकी एज इट इज चेंजेस एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ऐसे केस में आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए और प्रिपरेशन करिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे साइंस और मैथ की जो क्लासेज है वो प्रॉपर मिलनी स्टार्ट हो गई है। तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए बाकी अपडेट्स के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।